हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है पंजाबी पकौड़ा कढ़ी। कढ़ी को हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज हम इसे बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। पकौड़ा कढ़ी के लिए हम लेंगे 1 कप दही। इसके बाद हम लेंगे 1/2 कप बेसन। ये मेरा घर का पिसा हुआ बेसन है। इसकी रेसिपी आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। अब इसके बाद हम लेंगे 1/2 छोटा चम्मच कुटा हुआ खड़ा धनिया, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें पानी डाल के हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। इससे अच्छे से फेंट लीजिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े। बेसन और दही का जब घोल तैयार हो जाएगा, तब इसके बाद में हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 2 छोटे चम्मच हम डालेंगे देसी घी। घी को हम हल्का सा गरम कर लेंगे। घी गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1 खड़ी लाल मिर्च और 1/4 छोटा चम्मच हम डालेंगे हींग। इसे 1 मिनट तक भून लीजिए। इसके बाद में हम 1 कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। जब प्याज अच्छे से भून जाएगा, तब इसमें हम डाल देंगे दही और बेसन का घोल। इसे लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि जो बेसन है वो नीचे लग ना जाए। अभी हमारा बेसन का घोल गाढ़ा है, तो हम इसमें पानी थोड़ा सा और मिलाएंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। जब इसमें 1 उबाल आ जाएगा, तब हम गैस की फ्लेम को सिम पर कर देंगे। कढ़ी में 1 उबाल आ गया है, अब हम गैस की फ्लेम को सिम पर कर देते हैं और इसे कम से कम हम 20 से 25 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। जब तक हमारी कढ़ी अच्छे से पक रही है, तब तक हम इसकी पकौड़ी बना लेते हैं। इसके लिए हम 1 प्याज लेंगे और उसे लंबा काट लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप बेसन, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच हींग और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। इसे अच्छे से मिला लें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लें। इसमें हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्याज से जो पानी है वो भी रिलीज़ होता है। बैटर हमारा तैयार है। अब इसके हम पकौड़े बनाएंगे। तो कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, तो मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है और गैस की फ्लेम को हमें लो से मीडियम पर रखना है, क्योंकि अगर हमने इसको हाई पर फ्राई किया तो हमारे जो पकौड़े हैं वो जल जाएंगे। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब जो हमारी कढ़ी पक रही है, उसमें हम इसको डाल देंगे। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और इसके बाद में हम डालेंगे नमक। नमक को हमेशा कढ़ी पकने के बाद में ही डालें, क्योंकि अगर आप इसको पहले डाल देंगे तो कढ़ी को पकने में टाइम लगेगा। अब देखिए हमारी जो पकौड़ी है कितनी सॉफ्ट बनी है। कढ़ी हमारी बनके तैयार है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसका हम तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हम गैस पर एक फ्राई पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच देसी घी। घी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा, तब इसमें डालेंगे राई, जीरा और हींग और 2 खड़ी लाल मिर्च भी डालेंगे। इसे हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसे मिला लीजिए। अब हम इसे कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। लीजिए, हमारी पंजाबी स्टाइल कढ़ी बनके तैयार है और इसे हम सर्व करेंगे चावल के साथ, क्योंकि जो कढ़ी है वो चावल के साथ ही अच्छी लगती है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले नए वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।